हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अरे आज मैं आपको अपने गार्डन का टूर कराती हूँ। छोटा सा गार्डन है, बीमार होने के कारण मैं गार्डन की केयर नहीं कर पाई हूँ। अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मैं रिकवर हो रही हूँ, तो अब मैं आगे को सब्जी लगाऊंगी, आपको सब सब चीज़ दिखाऊंगी। धीरे धीरे रिकवर होने के बाद ही सब कुछ काम हो पाएगा। और हमारे यहाँ अभी टेम्परेचर 41-42 में जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। सुबह पानी डालो, शाम को सूख जा रहा, शाम को पानी डालो सुबह को। और पेड़ सब के हैं जो रहे हैं, उनकी केयर करना बड़ा मुश्किल होता है गर्मियों में। आइए मैं आपको अपना गार्डन दिखा। देखे दोस्तों, ये हैं बैगन, बैगन लगे हुए हैं। देखो आपको बैगन दिखाती हूँ, बैगन लगे हैं, फूल आ रहे हैं। देखे फूल आ रहे हैं। ये देखो, ये इतने सारे लगे हुए हैं, ये खूब सारे लगे हैं। देखो बैगन, उधर भिंडी भी आ रहे हैं। देखो भिंडी, और इसमें भी खूब सारे फूल आ रहे हैं। आज मैंने इनमें नीम ऑयल डाल रखा है, क्योंकि इसमें मिली बग है और एक काला काला अंडे जैसे हो जाते, काले काले वो थे खूब सारे, बहुत मतलब उसी से, इसीलिए पेड़ ऐसे हो रहे हैं। धूप से नहीं हो रहे हैं, वैसे बैगन तो धूप में भी अच्छा सा फल जाता है। ये हो रहे हैं, ये देखो, ये है ना, ये कीड़े दिख रहे हैं। ये देखो कीड़े दिख रहे हैं आपको, ये देखो हरे हैं, काले हैं, बहुत सारे। मैं दवाई डाल रखी, नीम ऑयल का स्प्रे कर रखा है। टमाटर भी सारे सारी कीड़े से ही खत्म हो रहा था, क्योंकि आजकल खेती खेतों में जब खेती पक जाती है तो ये सब जो भी मिली बग होता है, जो भी कीड़े वीड़े होते हैं, नुकसानदायक कीड़े होते हैं, वो सब सब्जियों में लग जाते हैं, इसलिए टमाटर भी हो रहा था। अब आशा करती हूँ कि टमाटर भी अब ठीक हो जाएंगे। टमाटर के पौधे ऐसे हो गए, सारे धूप से नहीं सूखे हैं, ये सब हो सारे कीड़े हो रहे हैं। दोस्तों शिमला मिर्च कितने अच्छे हो रहे, देखो आप, शिमला मिर्च में फूल भी खूब सारे आ रहे हैं। ये इनमें भी सारा कीड़े लग गए थे, सारे पत्ते खराब हो गए थे, मैंने आज सारा स्प्रे कर रखा है। देखो दोस्तों स्प्रे कर रखा है, और ये इसमें भी सारे, ये देखो पूरे कीड़े ने पत्ते ऐसे कर दिए, ये तभी तो पौधे खराब हो गए ना सारे। आज सारा नीम ऑयल का स्प्रे कर रखा है, ये मैंने हैंड पॉलिनेशन कर रखा था। देखो बड़ा सा हो गया, देखो दोस्तों करके सब कुछ होता है। और ये तो ऐसी रह गए, पता नहीं अब लगेंगे नहीं लगेंगे, देखती हूँ मैं। अगर ये लगते हैं तो फिर मैं लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ये नहीं लगेंगे, न्यू बीज डाल दूंगी। और ये देखो ये सब खाली हो रहे कंटेनर, इनमें सब में मुझे आप कुछ मैं हरी भाजी बो दूंगी, पालक है, मेथी, वो पालक, चौलाई, ये चीज बो दूंगी। ये देखो अरबी, सारे पौधे धूप से ऐसे हो गए ना, पत्ते सब सूख गए हैं, ये सारे ये ऐसे करके सूख गए हैं, सारे मैंने तोड़ के फेंक रखे हैं। देखो ये धूप से बहुत तेज धूप हो गई है, और खीरे के भी पत्ते देखो कैसे हो गए, ये ऐसे सूख गए हैं। देखो धूप से बहुत तेज धूप हो रही है आजकल, ये खीरे लग रहे थे सब ऐसे हो रहे हैं, पर खीरे भी हैं यहाँ, मैं आपको दिखाती हूँ खीरे। ये देखो एक खीरा ये रहा, दिख रहा है आपको, एक खीरा ये रहा और एक खीरा ये रहा। ये देखो ये यहाँ पर है, ये एक खीरा ये है, एक खीरा और है यहाँ पर कहीं। खीरे भी लग रहे हैं, और खीरे के पौधे तो ऐसे हो गए, सिर्फ गर्मी से हो रहे हैं। हम न्यू लगाने, मुझे न्यू लगाऊंगी। शिमला मिर्च हैं, इनमें भी सारा, इनमें थोड़ा कम लगा हुआ है, ये फ्रूट आ रहे हैं। देखो न्यू ग्रोथ, न्यू फ्रूट आ रहे, देखो फल लग रहे हैं, ये देखो खूब सारे फल लग रहे हैं। देखो
ये देखो सुबह पानी डाला, अभी ऐसे सूख गए हैं पौधे। ये देखो सारा, ये मेरा गार्डन है और सारा ऐसे हो रहे हैं, बिखर गंदगी हो रही है, सब साफ करना हो रहा है। एक दिन साफ किया था, फिर वैसी हो गई। देखो सुबह पानी डाल गई, अभी देखो कैसे सूख गए। शिमला मिर्च का पौधा देखो, सारे पत्ते खराब हो गए, इसमें भी स्प्रे कर रखा। ये देखो धनिया, धनिया हो रहा, ये बैगन के पौधे और धनिया हो रहा, ये सब लगाने हैं मैंने। ये देखो दोस्तों, ये कद्दू की बेल मेरी खुद हो गई थी, मैंने इसको कद्दू नहीं भी लगेंगे, फल नहीं भी लगेगा तो इनके ना पत्ते भी खाने में के काम आ जाते हैं, पत्ते ही भी खा लेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी भाजी भी बहुत अच्छी बनती है ये पत्तों की। ये देखो कितना अच्छा बेल हो रहा है, देखो ऐसे फूल भी आने लग गए हैं इसमें। दोस्तों धनिया उखाड़ ले जाती हूँ मैं, धनिया उखाड़ना हो रहा है, मैंने उखाड़ के ले जाती हूँ, नया हो रहा तो वो अपने आप होते हैं। ये पौधे मैंने उखाड़ दिया, ये नए हैं, ये हो रहे हैं ना और जम रहे हैं, हम आ जाएंगे आगे फिर, अभी और बोना है मुझे इसमें भी। ये धनिया देखो दोस्तों, ये बेल पत्री हो रही है, देखो पक गई हैं, नीचे गिर जा रही हैं बेल पत्रियाँ, तो फेंक दे रहे हैं ये लोग भी उठा ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं नीचे जा नहीं पाती हूँ। देखो ये आंवले का पेड़ है, सब तोड़ दिए लोगों ने, पता हम घर गए पेड़ में चढ़ चढ़ के तोड़ रखे हैं लोगों ने, सब तोड़ दिए लोगों ने। हम गांव गए तो ये आम का पौधा है, ये देखो मधुमालती का कितना अच्छा खिल रहा है, देखो बालकनी में। ये देखो दोस्तों, आजकल इस साल हमारी भिंडी नहीं हुई, क्योंकि पता नहीं क्यों सारे पेड़ मर गए थे, ये दो पेड़ ये रहे, दो पेड़ वो छोटे वाले गमले में रहे हुए हैं, भिंडी लग रहे हैं इनमें देखो। ओके दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों सभी लोगों का, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मेरी गार्डनिंग हो पाई ना मेरा चैनल चल पाया, और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।